फ्रेंड्स नमस्कार, आप लोगों के लिए अपडेट है। वैसे मैं कोई चीज भी बोलता हूं तो कोई तो है जो कि मेरी ऑडियो को उठा के यूट्यूब पे डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अविनाश सर की कॉल आई थी तो उन्होंने कहा भी कि मेरी रिकॉर्डिंग किसी को मत देना प्लीज। तो उन्होंने अगर इतना बोला है तो इतना रिस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन जो उन्होंने बताया है उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए सर, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि जो अपडेट मिले आप लोगों तक पहुंचे। सर, कंपनी का जो मानना है वो दो लॉन्चिंग रहेगी, पहला आपका OSM चलता रहेगा और दूसरा INR वाला प्लान। तो INR वाले प्लान के लिए बता दूं कि कंपनी ने बोला कोई किसी का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, नई ज्वाइनिंग होगी, नए तरीके से 1200 रुपए लेंगे और नए टास्क रहेंगे। टास्क में क्या होगा कि आपको बैंक अकाउंट्स खोलना है, शेयर वाले अकाउंट्स खोलना है, उसके बिहाव पे देंगे, कुछ सैलरी बेस बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर किसी का नहीं रहेगा। तो मैंने उनसे बोला भी सर कि अगर स्ट्रक्चर नहीं रहना है तो क्या फायदा है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं सर, जिसको करना होगा करेगा। तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा सर, पहली चीज। तो पुराने जो OSM में जिनका $32 लगा हुआ है वहां पे स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, लेकिन आप वहां पैसा तब तक ले पाएंगे जब तक किसी नए बंदे का, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका $32 लगा है और पैसा नहीं कमा पाए हैं, तो जब तक उनका $32 नहीं पूरा होगा तब तक वहां पे ऐसे चलता रहेगा। बाकी वो बोल रहे थे कि RBI इंडियन गवर्नमेंट की कोई करेंसी आएगी उसके साथ मिलकर काम करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें बोल रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि यही अपडेट था सर। बाकी आप लोग सोच लीजिए कि उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। मेरा पर्सनल व्यू है, अगर हमारा टीम स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो मैं वहां पे काम करने नहीं जा रहा सर। आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको जहां पे जैसे भी अच्छा लगे, जिसके साथ अच्छा लगे उसके साथ काम कर सकते हो। थैंक यू।